जी हाँ, मनप्रीत दी डोर कांग्रेस दे हाथ स्वागत है तोड़ा। मैं तोड़े ना गौरव शुक्ला हाजिर है इस समय दे पंजाबी बुलेटिन दे नाल। शुरुआत असी मनप्रीत बादल तो करांगे। पंजाब दी सियासत दे लई वड्डा दिन ते वड्डे दिन दे विच होया है कि कांग्रेस दे विच मनप्रीत सिंह बादल शामिल हो गए ने। तो मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस दे विच शामिल हो चुके ने। दिल्ली दे विच कांग्रेस दे मुरली कतार दे आगुआं दी मौजूदगी दी विच इसदा रस्मी ऐलान किया गया। मनप्रीत सिंह बादल ने अपनी पार्टी पीपीपी यानी कि पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब दा कांग्रेस दे विच रलेवा कर दिता है। मनप्रीत दे कांग्रेस च रलेवे तो पहला पंजाब कांग्रेस दे प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल उन्हां दी दिल्ली विच रिहायश ते मुलाकात की। इस तों बाद मनप्रीत ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों कांग्रेस पार्टी दे कौमी प्रधान राहुल गांधी नाल भी मुलाकात की गई। इस मौके मनप्रीत सिंह बादल दे पुत्र अर्जुन बादल भी उन्हां दे नाल मौजूद सन। तां अज दे दिन दी वड्डी खबर मनप्रीत दी डोर कांग्रेस दे हत्थ। जी हाँ, जो पतंग पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब दी सी हुण ओह कांग्रेस दे हत्थ ने संभाल ली है ते देखणा होएगा 2017 दे विच सियासी समीकरण सूबे दे विच किस तरह बदलदे। कांग्रेस विच शामिल होने तो बाद मनप्रीत बादल अपने रंग विच रंगे नजर आए। उन्होंने कांग्रेस विच शामिल होने दे पिछे मकसद दसिया, नाल ही अकाली दल ते भी वार किया। और मेरा दिल दुखता है पंजाब के हाल पे, और मेरा दिल दुख रहा है कि अगर श्रोमणी अकाली दल की सरकार रिपीट होती है तो पंजाब के आने वाले हाल पे। तो ये सारी वजूहत थी, दिस वॉज द बैकग्राउंड कि हमने जितनी ताकत थी, जितनी मेरी औकात थी, जितनी हैसियत और ताकत थी, हमने पंजाब के लोगों को जगाने की कोशिश की। और पिछले 2-2.5 साल में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत और लोकसभा इलेक्शंस में हम एक अलायंस के रूप में, हम एक अलायंस की सूरत में हमारा पहले शुरू हुआ था। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। Aap has copied the PPP agenda. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। कि जिहड़े लोकी पहला कहिंदे सी कि असी राजनीति दा बदल देना, असी देश दे विच इह चीज़ां नवीआं करनियां चाहुंदे आ, असी स्टेट दे विच इह चीज़ां नवीआं करनियां चाहुंदे आ, शहीद भगत सिंह दी समाधि ते जा के सहुआं खांदे सीगे, अज उहनां लोकां दा फिर उहो जिहीआं पार्टियां दे विच, कांग्रेस वर्गीआं पार्टियां दे विच जाणा। इह जिहड़े शहीद भगत सिंह दे पिंड इहनां ने कसमां खाद्दियां सी उह हुण झूठियां अपनियां पैणियां, कि ड्रामे जिहड़े कीते सीगे उह लोकां दे सामने नंगे हो रहे। पंजाब में मनप्रीत बादल अब कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्या आपको लगता है उससे नुकसान होगा आपको? या लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है अपने इच्छा के अनुसार पार्टियां ज्वाइन करना। तब मनप्रीत दी डोर कांग्रेस दे हाथ हो चुकी है ते ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 5% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
प्रकाश सिंह बादल दे परिवार नाल ताल्लुक रखते ने। मनप्रीत सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल दी सरकार विच वित्त मंत्री भी रह चुके ने, पर पार्टी दे विच वध रहे सुखबीर सिंह बादल दे कद तो बाद मनप्रीत ते मुख्यमंत्री बादल दे रिश्तियां विच दूरियां वधन लगियां अते मनप्रीत ने अकाली दल तो नाता तोड़ लिया, जिसके बाद मनप्रीत बादल ने अपनी नवी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब का गठन किया। 1995 विच उपचोन तो अपने सियासी जीवन की शुरुआत करने वाले मनप्रीत गिदड़वा तो लगातार चार बार विधायक रह चुके ने, पर 2012 दीआं चोणां विच उन्हां नूं गिदड़वा अते मौड़ हल्के तो हार का मूँह देखना पिया सी। मनप्रीत सिंह बादल पंजाब की सियासत विच सुलझे हुए आगू मने जांदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो चार बार विधायक रहे, पंजवीं बार चोण हारे, अपनी पार्टी बनाई सी उस समय ते इस बार वह हुण कांग्रेस दे नाल मिल चुके ने, ते 2017 दे विच की समीकरण होणगे वह भी देखने लायक रहेगा। रुक करदे आं पंकज कपाही दा, दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे ने जी मीडिया पत्रकार। पंकज, जानना चाहांगे कि अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच की कुछ वखरा नजर आया, क्योंकि कांग्रेस दे विच मनप्रीत बादल दा शामिल होना कितना ना कितने सूबे दे जिहड़े समीकरण है उसनू बदलदा होया नजर आ रहा। बिल्कुल, जिस तरीके नाल तुसी भी दस्या और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही गल मनते ने, और कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो पंजाब कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद दोहां ने इको गल कही कि जो पिछलियां चोणां होईयां सीगियां उस विच मनप्रीत बादल काफ़ी वड्डा फैक्टर सीगा, और कितना कितने उन्होंने दुख है कि जिस तरीके नाल बहुत घट मार्जन तो कांग्रेस की सरकार बंदी रह गई सी, और यही वजह है कि इस बार जो कांग्रेस है पूरी तरीके नाल पूरी तैयारी नाल लड़ रही है और एकजुट नज़र आ रही है। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विच भी पूरी जो पंजाब कांग्रेस है वह एकजुट नज़र आई। पासे सीधे तौर पर मनप्रीत सिंह बादल का भी यह कहना सीगा, जो उन्होंने असी गलबात की उन्होंने पूछा कि तुम चोणा कितों लड़ोगे और किस तरीके किसी जिम्मेदारी लिए तुम तैयार हो, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहना सीगा कि अज राहुल गांधी ने जो साड़ी मुलाकात हुई तो मैं उन्होंने पंजाब के 11 मुद्दे जरूर दसे ने, लेकिन बिना शर्त तो बिना किसी शर्त तो मैं कांग्रेस में मर्ज कर रही है साड़ी पार्टी, और जितों वह कहे चोणा उतों लड़िया जाएंगी, फिलहाल पंजाब को बचाना जरूरी है, इस करके असी जो कांग्रेस विच मर्ज हो रहे हैं। दूजे पासे उन्होंने इस बारे भी जो उन्होंने पूछा गया कि आम आदमी पार्टी च भी चर्चावां चल रही सीगियां कि तुसी आम आदमी पार्टी च भी शामिल हो सकते हो, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहना सीगा कि आम आदमी पार्टी नाल गलबात जरूर चल रही सी, पर जदों पिछले कुछ दिनों च 3-4 बार राहुल गांधी नाल मुलाकात हुई और जिस तरीके नाल उन्हां दी गलबात हुई तो उन्होंने लग्या कि जो सोच उन्होंने है कांग्रेस की भी उही सोच है, और यही वजह रही कि अज जो कांग्रेस विच उन्हां दी पार्टी मर्ज हो रही है। पंकज, देखिया जाए कांग्रेस दे विच किया जांदा बहुत सारे धड़े ने, खास तौर पर पंजाब कांग्रेस विच, हालांकि पिछले कुछ समय तो इको स्टेज ते सारे आगू नजर आ रहे ने, हुण कांग्रेस अगे रणनीति की नजर आ रही है, किते एक होर धड़ा कांग्रेस दे विच शामिल तो नहीं हो गया, क्योंकि पहला ही भट्ठल धड़ा, कैप्टन धड़ा, बाजवा धड़ा, एवें कई धड़े कहे जाते हैं कांग्रेस दे विच, हुण मनप्रीत धड़ा तो नहीं एक वक्त तो बन जाएगा, इस दे लई कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी? गुरु, जिस तरीके नाल तुसी दस रहे हो यह गल जरूर हो सकती है, पर जिस तरीके नाल पूरे देश कांग्रेस का हाल है और जो कांग्रेस के प्रधान सोनिया गांधी ने और उप प्रधान राहुल गांधी ने, उन्होंने भी लगता है कि अगर कितों वापसी हो सकती है तो पंजाब तो हो सकती है। यही वजह रही है कि जो नवी टीम तैयार हुई है उस विच सब तो जो सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने उन्होंने कंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिता है। अज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गल की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद सके, और जिस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों के प्रधान बने ने जो धड़िया की गल की जा रही सी, चाहे भट्ठल धड़े की गल की जाए या फिर बाजवा धड़े की गल की जाए, एकजुट जरूर नजर आ रहे हैं और एक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यूनाइटेड कांग्रेस है, और पूरी तरीके नाल इन्हों का मकसद यही है कि पंजाब में सरकार बनानी है। जी पंकज, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है। माघी मेले से सियासी कॉन्फ्रेंसा जरिए सियासतदाना वालों कई सियासी तीर छड़े गए। आम आदमी पार्टी रवायती पार्टियां दे निशाने ते रही, ते केजरीवाल नूं अकाली दल अते कांग्रेस वालों बारी कह के सद्या गया, तो हुण आम आदमी पार्टी दे पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने इस ते पलटवार किया है। केजरीवाल दीआं रगां च खून जिहड़ा वह भारत का है, हिंदुस्तान का है, कांग्रेस के लीडर तो जी इटली की रहने वाली उन्होंने इतों की भाषा का नहीं पता। कैप्टन साहब को पहले सोच लेना चाहिए 100 बारी बोलने तो पहला कि मेरे लीडर कौन है। दोने झूठ बोलिया और गलत किया लोगों को गुमराह करने, क्योंकि उन्होंने को मुद्दा हूँ कोई रह नहीं गया। अगे वध्दे हुण गल उस रिपोर्ट की जिसने पंजाब की सियासत एक बार फिर तो विखा दिता है, मुद्दा नशिया का। जी हाँ, एम्स की रिपोर्ट के नाल पंजाब च ड्रग्स के कारोबार से वड्डा खुलासा होया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब च सालाना
7500 करोड़ का ड्रग्स का कारोबार होंगे जिस विच 6500 करोड़ रुपए की हैरोइन की खपत है। पंजाब के 10 जिले में एम्स ने सर्वे किया तो इस रिपोर्ट मुताबिक 7500 करोड़ रुपए की हैरोइन जो नशे है उसकी खपत होंगी है 6500 करोड़ की हैरोइन का खपत होंगी है सूबे 10 जिले इस सर्वे किया गया एम्स पर। रिपोर्ट सामने आने तो बाद सियासी प्रतिक्रम भी सामने आए हैं। डॉक्टर चीमा ने कहा कि अजिहियां रिपोर्टां भरोसे योग नहीं होंदियां, जबकि सुचा सिंह छोटेपुर ने कहा कि पंजाब च नशे लई सरकार जिम्मेवार है। क्वांटिटी की सी, उहदी स्ट्रेंथ की सी, उहदी कंसंट्रेशन किन्नी सी, इन्हां चीज़ां दी तां रेलेवेंस मैडिकल फील्ड दे विच हो सकदी है, पर इह तां नवीं तरहां दी रिसर्च है कि किन्ने करोड़ दी होई, किन्ने दी होई, जां तां इन्हों तो बिल बनवा के कोई लैके जाते रहे हैं भी किन्ने कि किन्ने का बिल लिया, किन्ने का अगर दिता, ना तो यदि कोई टैक्स जमा करा ना यदि कोई होर एवेल्यूएशन का सिस्टम होंगे। इन तुके जोड़ा मर्जी कोई अपनी अखबार से खबर लाने वास्ते एक प्राइस कोट कर देते जी, इंटरनेशनल प्राइस यदि यही होंगी है। नशा जोड़ा असं तो बहुत देर का कहने कि नशा जोड़ा वो जिम्मेवार साड़ी सरकार है। जे चाहे ये कहें बॉर्डर बड़ा लंबा है, बॉर्डर तो अपने राजस्थान का लंबा, J&K का लंबा, गुजरात का लंबा, उत्थे क्यों नहीं आता? ये सारी दुनिया को पता कि नशा अफगानिस्तान तो आता, पर मंगा कौन आ? आम बंदे जिन्हें लोगों के पा देंगे वो थोड़ा मंगाते, वो तो इन्ना पैसा उन्होंने को है ही नहीं बेचारे को, जो बड़े बंद का कारोबार। अगे वे अगली खबर का रुख करा, PPSC मामले च अज अदालत ने अपना फैसला सुना दिता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए PPSC के क्राइटेरिया हरी झंडी दे दी है। इस फैसले नाल उन्हां उम्मीदवारों नूं जिन्हां दी नियुक्ति पत्र नूं स्टेटस क्यू हाई कोर्ट दे वल्लों दिता गया सी वो भी खत्म हो गया, यानी कि उन्हां नूं नियुक्ति पत्र हुण छेती मिल सकेगा। दरअसल हाई कोर्ट दे सिंगल बेंच ने हुक्म दिते सन कि जनरल स्टडीज़ के वख-वख हिस्सों नूं एक विषय के तौर उत्ते दिखाया जाए, और जेकर ये इंटरव्यू दे योग बनना चाहते हैं तो कैंडीडेट को इस पेपर में 33% अंक जरूरी होंगे। इसलिए PPSC ने कैंडीडेट की नवी लिस्ट बनाई, क्योंकि पहला बनाई गई लिस्ट के मुताबिक जनरल स्टडीज़ के वख-वख हिस्सों के अंकों को वख-वख गिनिया जा रहा है, पर हाई कोर्ट में इसको एक उम्मीदवार के वालों चुनौती दी गई, क्योंकि नवी लिस्ट के मुताबिक उनका रैंक और मैरिट घट हो गया। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जनरल स्टडीज़ के हर विषय में 33% अंक लियाने वाले कैंडीडेट हुण सफल बने जा। अगे वधदे खबर अमृतसर तो। अमृतसर पुलिस ने पिछले दिन हुई लुट की वारदात मामले च एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ते इल्जाम है कार सवार कुड़ी तो पर्स लुटन था। पुलिस ने इन तो पिस्तौल, 540 ग्राम नशीला पाउडर ते 6 मोबाइल बरामद किए ने। दरअसल लुट की यह घटना CCTV कैद हो गई सी। शरेआम तरीके नाल इस लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। तस्वीर उस लुट दियां ने जिस तरह नाल CCTV दे विच सामने आईया कि किस तरह बेखौफ लुटेरियां ने इस लुट की वारदात को अंजाम दिता। गुप्त सूचना आधार से इन्हों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस वालों जानकारी दी गई। तो दो तस्वीर असं तुम दिखा रहे हैं, मुलजम हुण काबू होए ने, तो लुट दियां CCTV फुटेज भी असं तुम दिखा रहे हैं। ये फुटेज देख के हर कोई हैरान सी कि इन्ना बेखौफ होकर इस लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। दो शख्स मोटरसाइकिल से आते हैं, इट नाल गड्डी ते वार हुंदा, ते शरेआम कुछ ही पलों के बैग कार दे विच्चों लैके फरार हो जाते हैं। हुण मुलजम पुलिस की गिरफ्त विच ने। ते फिलहाल बुलेटिन दे विच वेला हो चलिया, तुहाडे तों इजाजत लैण दा, मुलाकात फिर होएगी, इजाजत दिओ, धन्यवाद।